नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ अम्मा बताइए। आपसे मिलकर मैं तो बहुत खुश हुई है। आप क्या करती हैं, अपने बारे में बताइए, आपको सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला है? मुझे सरकारी योजना द्वारा पीएम योजना सौ योजना ఉన్నాయి చాలా ఉపయోగాలు పడ్డాయి। ఉజాల యోజన కూడా చాలా ఉపయోగపడ్డాది। आप करती क्या है? नमस्कार प्रधानमंत्री जी। जी आज आपसे बात करने का ये जो सौभाग्य मुझे मिला है इसके लिए बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप अनेक अनेक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। तो इस गांव में हमको बहुत अनेक अनेक आपका जो स्कीम्स मिल रहा है सर, उसमें से हमारा मेजर जो करते हैं वो ग्रुप का है सर। अच्छा, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या आपके गाँव में? है। तो आप सेल्फ हेल्प से जुड़ी हैं? जुड़ी हूँ सर। तो कब से जुड़ी हैं आप? और आपको ये ड्रोन का सीखने को मिला है क्या? तो उसका क्या अनुभव है? मुझे अनुभव हुआ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और कोरोमंडल कंपनी वालों से आसक्ति मिली है सीखने की नई टेक्निक करके। मैं वहाँ पे अंगोल गुंटूर जाके आचार्य यूनिवर्सिटी में सीखी हूँ। वो टॉइल डेस्क का ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दिन में सीख लिया? 12 दिन। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ, आते हैं सर। तो फिर बच्चे भी कहते होंगे लाओ मुझे भी उड़ाने दो। और फिर कभी गिर जाएगा तो क्या करोगे? छोटा मोटा रिपेयर आने से भी कुछ करने की सीखेंगे। अच्छा, गांव में कैसा इसका उपयोग कैसा हो रहा है, क्या लग रहा है? इतने दिन से काम शुरू किया है तो क्या अनुभव क्या आता है? वाटर प्रॉब्लम सेव होता है और समय की बचत होती है और स्प्रे करने मैक्स पे यूनिवर्सिटी में स्प्रे करने के लिए। चलिए रमन अम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।